यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारा चैनल है AR हीरो होंडा यामा। दोस्तों सीज़र गियर के बारे में बताएंगे हम। इसका एक स्प्रिंग जो है वो टूटा हुआ है, ये नया डाल रहे हैं हम स्प्रिंग। इसका एक साइड का टूटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये नया नहीं मिलता, किसी पुराना सीज़र गियर पड़ा हो तो वो डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नहीं तो पूरा सीज़र गियर नया चेंज करना पड़ता है। ये इसके ये लॉक निकाल लिए हमने पहले ही, ये निकाल के हम ये निकाल लेंगे। ये स्प्रिंग सही है इसका दोस्तों। और ये जो स्प्रिंग है ये देखो, ये स्प्रिंग देखो टूटा हुआ है ये, इसकी वजह से गाड़ी के साउंड जो हैं ये सही नहीं निकल रहे थे, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये टूटा हुआ फंस रहा है, ठीक है दोस्तों। अब निकालते हैं हम इसका ये स्प्रिंग, ये निकलेगा देखो, ये टूटा हुआ निकला है, ये टूट गया था इसमें, ठीक है दोस्तों। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये स्प्रिंग लेंगे हम, ये यहाँ पे फंसाएंगे, ये यहाँ पे फंसा लेंगे ये ऐसे, ठीक है दोस्तों। और ये फिर ये जो ये हिस्सा है ये अंदर लगाएंगे हम, इस सुराख में स्प्रिंग लगा देंगे ये ऐसे, ये स्प्रिंग हमारा लग चुका। ये स्प्रिंग लग चुका हमारा, ठीक है दोस्तों। ये लग चुका हमारा स्प्रिंग, ठीक है दोस्तों। अब ये हम इसी तरीके से दूसरा स्प्रिंग लगाएंगे दोस्तों। ये इधर से लगाएगा स्प्रिंग, ये देखो, ये फंस गया, ठीक है दोस्तों। और फिर हम इसे भी गियर को ऐसे ही लगाएंगे जैसे वह लगाया हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये जो हिस्सा होता है ये बाहर का होता है, ये अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है दोस्तों। ये हम ये लगा दिया हमने, ठीक है दोस्तों। ये देखो अब सही कर रहा है काम, ठीक है। ये इधर से काम करता है और ये वाला इधर से करता है, ये ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे, ये देखो, ठीक है दोस्तों। लॉक लगाएंगे दोस्तों, ये इसके लॉक लगाएंगे, लॉक हम बैक प्लास लॉक, ये वाला बैक प्लास है इसका, ये ऐसे लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो कस्टमर नई सीज़र गियर डलवा रहे तो आप पुराना कोई स्प्रिंग ले के पुराने सीज़र गियर में से निकाल के वे डाल सकते हो। और जो कस्टमर कहे नया डाल दो तो नया डाल दो, और जो मार्केट में अवेलेबल है तो नया ला कर डाल दो दोस्तों। अलग से भी मिलते हैं इसके स्प्रिंग, ऐसी बात नहीं। जब कंपनी ने कोई सी चीज़ बनाई तो ये बंद मिलते हैं मार्केट में, ठीक है दोस्तों। ये फिर ये लॉक जो है ये हम ऐसे ही लगा देंगे, ये लॉक लग चुका, ठीक है दोस्तों। दोनों साइड के लॉक लग चुके, ये भी लग गया, इधर का भी लग गया, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं तक कहती है हमारी।
ठीक है दोस्तों, ये सीज़र गियर का सही तरीका है और ये इसके स्पेशल टूल हैं, इनसे ही बिठाएं आप। ठीक है दोस्तों, बिठाने का बहुत आसान तरीका है ये, और जो किसी के पास टूल्स हैं ये इससे लेके इस तरीके से इसमें फंसा लें, इस वाले में, ये वाला ऐसे करके, ये करके ऐसे फंसा लें। ठीक है दोस्तों, ये देखो हमारा सेट हो चुका। इसमें एक शिम लगती है यहाँ की, वाशर वो भी दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। ये शिम वाशर है इसकी, ये ऐसे लगती है इधर की, ये ऐसे लगती है। ठीक है दोस्तों, ये वाशर ज़रूर डाल लें जिससे कि इसका वाइब्रेट ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक के, और दूसरी वीडियो बनाएंगे हम इसे फिट करते हुए चैम्बर में। ठीक है दोस्तों।